एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। चश्मे का पानी इस पानी की क्या खासियत है सुन? ये पानी पियो तो 7 किस्म की बीमारियां खत्म होती हैं। ये देखें जी, यहाँ से पानी पिया वो कह रहे अगर ये पानी पिए तो 7 किस्म की जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो ये दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गबराल वैली है। ये गबराल वैली के खूबसूरत नज़ारे, पीछे दरिया बहता हुआ और पानी बहुत ठंडा और बहुत स्पीड से आ रहा है। तो दोस्तों अभी हमारा टूर आगे की जानब स्टार्ट हो रहा है। अभी हम जाएंगे अतरोट बाजार, वहाँ पर नाश्ता करना है। सब दोस्त लोग पीछे जीप में बैठ चुके हैं, वहाँ नाश्ता करने के बाद फिर शाही बाग की जानब जाना है। ये हमारी जीप है जिस पर अभी हम ट्रैवल करने वाले हैं। ये जीप लेकर आगे जाएंगे हम अतरोट बाज़ार में। अतरोट बाज़ार से आगे फिर जिस तरह भी मूवमेंट होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। सब दोस्त बैठ चुके हैं, आगे भाई आ गए। तो दोस्तों देखें सब दोस्त जीप में बैठ चुके हैं। जीप देखें पूरी पावर के साथ पहाड़ों की चोटियों की तरफ जा रही है और इंजन का पूरा जोर लग रहा है क्योंकि ऊंचाई की तरफ हम जा रहे हैं। 4x4 जीप है ये। दोस्तों ये देखें अभी हम कोस्तान नान सेंटर मेन बाज़ार अतरोट, शाही बाग रोड मेन बाज़ार अतरोट में दाखिल हो चुके हैं। ये यहाँ का बाज़ार है, जैसे हमारे सिटी में बाज़ार होते हैं वैसे ये इनका सिटी है, शाही बाग रोड मेन बाज़ार अतरोट। और ये नाश्ते का पॉइंट है, ये होटल है नाश्ते वाला। अभी हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ से हमने नाश्ता वगैरह करना है। ये सब दोस्त अंदर अपनी अपनी वीडियो वगैरह बना रहे हैं। ये खान साहब होटल के मालिक। दोस्तों ये अतरोट बाजार में हम अभी नाश्ता कर रहे हैं, ऑमलेट और चने के साथ, और ये पराठे हैं यहाँ के। करने के बाद अभी चाय आ चुकी है और चाय हम पी रहे हैं। ये रेडीमेड कप मिला हमें चाय के साथ और इसके साथ ही चाय पी जाएगी अतरोट बाजार में। अतरोट बाजार से गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद हमने गबराल गांव का रुख किया क्योंकि हम शाही बाग की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में हमें गबराल गांव मिला। जब हम शाही बाग की तरफ जाते हैं तो रास्ते में गबराल गांव आता है। गबराल गांव भी बहुत ही खूबसूरत इलाका है और यहां पर छोटे छोटे पन बिजली घर लगे हुए हैं। जब हम किसी मकामी आदमी से इसके बारे में पूछें और बात करें पन बिजली घरों के बारे में, तो पूछने पर हमें पता चलता है कि इन बिजली घरों का सालाना खर्च बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये गबराल गांव भी बहुत खूबसूरत इलाका है और
अगर कलाम से हम गबराल गांव की तरफ आएँ तो हमें तकरीबन गबराल गांव में पहुंचने के लिए एक घंटा दरकार होता है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि दरिया का कितना खूबसूरत मंज़र है और यहां से ये गबराल गांव शुरू होता है। गबराल गांव की भी एक अलग सकाफत और अलहदा ही तहजीब है। यहां के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। हम बहुत से लोगों से मिले और बातें की। यहाँ पर भी पानी के चश्मे और बुलंदोबाला पहाड़ मौजूद हैं और गबराल गांव की भी अपनी ही खूबसूरती है। इस गांव के ज़्यादातर लोगों का इनसार खेतीबाड़ी पर है और खेतीबाड़ी में भी ज़्यादातर सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं। रोड के एक किनारे पर हमारी जीप चल रही है और उसके दूसरे किनारे पर ये दरिया का खूबसूरत मंज़र है। ये दरिया रोड के साथ साथ चलता है। ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है जो दरिया को पार करने के लिए खसूसी तौर पर बनाया गया है और रास्ते में छोटे बड़े रेस्टोरेंट और होटल भी आते हैं। गबराल गांव की खूबसूरती भी एक अलग ही मुकाम रखती है, जिस तरह आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। खूबसूरत नदी नाले और फलकपोश पहाड़ बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। आगे चलकर हम आपको अपनी जीप से नीचे उतरकर गबराल गांव का मुकम्मल व्यू दिखाते हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गबराल वैली है। ये गबराल वैली के खूबसूरत नज़ारे, पीछे दरिया बहता हुआ और पानी बहुत ठंडा और बहुत स्पीड से आ रहा है। यहाँ पर लोगों ने पन बिजली घर भी बनाए हुए हैं। हमारी जीप पीछे रुकी हुई है, ड्राइवर उसमें पानी डाल रहा है, हमें यहाँ रुकना पड़ा। ये गबराल वैली यहाँ से होते हुए अभी हमने शाही बाग की तरफ भी जाना है, तो रास्ते में थोड़े अच्छे सीन थे, सोचा आपके साथ भी शेयर करते जाएं।
बहुत खूबसूरत और दिलकश नज़ारे गबराल वैली के देखें, किस तरह पानी का बहाव है और सामने बुलंदोपोश पहाड़, सरसब्ज शादाब। थोड़ा आगे चलें, मैं आगे आपको दिखाता हूँ गबराल वैली का मंज़र। आप देख सकते हैं पीछे दरिया, और ये दरिया दो जगह से दो रुख कर रहा है, मतलब दोनों दो साइड से निकल रहा है, एक ऊपर से दूसरी जानब राइट जानब और ये लेफ्ट जानब। और ये मेन बाज़ार है गबराल वैली का, यहाँ से वो सामने से गाड़ी आ रही है, आप देख सकते हैं। ये पूरा रोड है, पीछे वाली साइड में गबराल में जाएं तो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, रोड तमीज़ हो रहे हैं, रास्ते बिल्कुल बहुत अच्छे हैं अभी। और ये लोगों का मस्कन भी पहाड़ों में ही है, पहाड़ों में घर बने हुए हैं, दूर दूर ऊंचाई में औरतें बच्चे खेती बाड़ी करती हैं, सब्जियां वगैरह लगाते हैं यहाँ पे गबराल वैली में। ये काला चश्मा के मुकाम पर हम खड़े हैं, शाही बाग की जानब जाते हुए रास्ते में गाड़ी का तेल पानी चेक हो रहा है जीप का, तो यहाँ पे रुकना पड़ा है। ये हमारे ड्राइवर साहब अभी गाड़ी का रेडिएटर जो है उसको ठंडा कर रहे हैं। ये काला चश्मा आप देख सकते हैं, काला चश्मे के मुकाम पर शाही बाग की तरफ जाते हुए खूबसूरत वैली, बुलंदो बाला पहाड़, खूबसूरत चोटियाँ, कुदरत के दिलकश और हसीन नज़ारे। दोस्तों शाही बाग की तरफ जाते हुए अभी हम काला चश्मा के मकाम पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं मैं चारों तरफ से कैमरा रोटेट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये काला चश्मा का मकाम है, यहाँ सामने एक छोटा सा होटल भी बना हुआ है, काला चश्मा होटल है उसका नाम, और खूबसूरत वादी है ये भी, लेकिन हमारा असली पड़ाव शाही बाग की जानब है। दोस्तों ये देखें भाई, डेरा गाजी खान से आए हैं, कितने किलोमीटर सफ़र करके आए हैं आप भाई जी? तकरीबन बनता है कोई 900-1000 किलोमीटर, तकरीबन 9 से 1000 किलोमीटर बनता है। बाइक पे आए हैं, 125 है इसके पास, और मॉडल भी शायद थोड़ा पुराने, 18 मॉडल 125 है, और 1000 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ आए हैं ये शाही बाग के लिए। चश्मे का पानी इस पानी की क्या खासियत है? ये पानी पियो तो 7 किस्म की बीमारियाँ खत्म होती हैं। ये देखें जी, जहाँ से पानी पिए वो कह रहे हैं अगर ये पानी पिए तो 7 किस्म की जो बीमारियाँ हैं वो खत्म हो जाती हैं। दोस्तों अब काला चश्मे से आगे अभी हम शाही बाग की तरफ जा रहे हैं। शाही बाग काला चश्मे से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़िया है। शाही बाग ही हमारा असल पड़ाव है। इस वीडियो में मैंने आपको धमाका झील से अतरोड़ बाज़ार, अतरोड़ बाज़ार से गबराल गांव, और गबराल गांव से काला चश्मा, और काला चश्मे से आगे अभी शाही बाग तक हम पहुँचे हैं। तो दोस्तों आने वाली जो हमारी वीडियो है वो शाही बाग के ऊपर होगी, जिसमें हम शाही बाग को एक्सप्लोर करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और देखते रहें स्टोरी बाय आसिफ़।